दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है न्यू लाइफ इंडिया में। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद होती है तो पुलिस सबसे पहले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों आपके दिमाग में अक्सर ये सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर ये पोस्टमार्टम है क्या, इसे क्यों किया जाता है, पोस्टमार्टम के तरीके क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें एक शव को चीरकर उसकी जांच की जाती है। पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी और शव परीक्षा भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम हमेशा मृतक के परिजनों की इजाजत के बाद ही किया जाता है। व्यक्ति की मृत्यु के 6 से 10 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद इंसानी शरीर में कई तरह के प्राकृतिक बदलाव होते हैं। पोस्टमार्टम में ज्यादा देरी होने पर इसके नतीजे पर असर पड़ता है। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम में यदि ज्यादा देरी हो गई तो मौत की असली वजह का सटीक कारण मालूम करना काफी मुश्किल हो जाता है। मौत की असली वजह जानने के लिए शवों का पोस्टमार्टम हमेशा दिन के उजाले में ही किया जाता है। रात के समय किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। दरअसल रात के वक्त जलने वाली लाइटों में घाव का रंग बदल जाता है। आमतौर पर दिन के उजाले में जो घाव लाल रंग के दिखाई देते हैं, रात के वक्त लाइट की रोशनी में उनका रंग बैंगनी दिखाई देता है। अलग रंग की वजह से मौत की वजह की असली वजह मालूम करने में काफी दिक्कतें आती हैं। इतना ही नहीं, रात में पोस्टमार्टम करने की वजह से किसी बड़े केस की जांच पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए पोस्टमार्टम के लिए कुछ खास मेडिकल औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। पोस्टमार्टम के 2 प्रमुख पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में बाहरी शरीर की जांच की जाती है, जिसके बाद दूसरे पार्ट में शरीर के अंदर जांच की जाती है। इसके लिए पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर शव को सिर से लेकर पेट तक चीर देते हैं। पोस्टमार्टम करने के दौरान आंतरिक अंगों की भी जांच की जाती है, जिसके लिए उन्हें बाहर भी निकालना पड़ता है। पोस्टमार्टम के बाद सभी अंगों को उनकी जगह पर रखकर शव को सील दिया जाता है। उम्मीद है दोस्तों की पोस्टमार्टम से जुड़ी आपकी सभी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया होगा। अगर अभी आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।